हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक महिंद्रा की तरफ से एक बहुत ही अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली है। तो आपको जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सके। यहाँ पर बीबीटेक एमसीए एंड एमएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आज की गाइस 7th of May है, 8th May 9th May इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको इसमें अप्लाई कर देना है एंड अपने फ्रेंड्स को भी इसमें अप्लाई करने के लिए बोल देना है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने मिल जाता है, डायरेक्ट ऑफर लेटर। इसका मतलब क्या है, क्या आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्टली आपको ऑफर लेटर मिलने वाला है इन्फोसिस टेक महिंद्रा की तरफ से। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले गाइस एंड सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से राउंड होने वाले हैं, कौन सा एलिमिनेशन होने वाला है, क्या क्या पूछे जाने वाला है, ए टू जेड सभी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड बहुत ही अच्छी मास हायरिंग है आप सभी के लिए, तो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए। 3.25 LPA का यहाँ पे आपको पैकेज देखने मिल जाता है टेक महिंद्रा की तरफ से। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो आपको और भी बहुत सारे रिसेंट वीडियोस देखने मिल जाते हैं, जैसे कि TCS की तरफ से हायरिंग है, यहाँ पे आपको विप्रो की तरफ से हायरिंग देखने मिल जाती है, इन्फोसिस की तरफ से हायरिंग देखने मिल जाती है, एसेंचर की तरफ से। तो इन सभी हायरिंग अपॉर्चुनिटी में आप अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल भी मत मिस कीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए होने वाली है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलने वाली है टेक महिंद्रा की, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज अपेयर होने वाला है जहां पर आप देख सकते हो इंजीनियरिंग एंड एमसीए कैंडिडेट्स। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन एंड डिक्लेरेशन देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एंड ब्रांचेस एलिजिबल आर। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, ENC, ENTC, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर सिक्योरिटी और MCA, MSc कंप्लीट किया है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी डिटेल्स। यहाँ पे आपको 60% का क्राइटेरिया भी देखने मिल जाता है, 10th में, 12th में एंड ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। ओके, 60 से लेस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और ये प्रोग्राम सिर्फ 2020 एंड 2021 बैच के लिए होने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग और एमसी आपने 2020 या 2021 पास आउट बैच से किया है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। 2022 बैच के लिए बहुत इससे पहले 3 वीक्स पहले, 1 मंथ पहले अपॉर्चुनिटी आई थी गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वीडियो देखने मिल जाएगा, 3 वीक्स अगो यहाँ पर मैंने वीडियो डाला था जो कि 2022 बैच के लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो होने वाली है 2020 एंड 2021 बैच के लिए होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपने परसेंटेज ऐड कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलने वाली है, रजिस्ट्रेशन पिन मिलने वाला है जो कि आपको मेल पे मिलने वाला है, वो आपको सेव करके रखना है ताकि वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो तो आपको ऑनलाइन टेस्ट है 1 से 2 वीक में आ जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन आईडी आप देख सकते हो यहाँ पे, इस मेल आईडी से आपको जो है टेस्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएंगी, 9 या 10 मई तक के आपको जो है टेस्ट की लिंक आ जाएंगे। एंड साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे 2021 एंड 2020 पास आउट बैच से बिलोंग करते हो विदाउट एनी बैकलॉग तो ही सपोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, 60% का क्राइटेरिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर के गैप से ज्यादा नहीं होने चाहिए 2 एकेडमिक प्रोग्राम में, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। और अगर आपने लास्ट मंथ में अप्लाई किया है, जैसे कि आप देख सकते हो इन केस यू हैड अपियर अर्लियर फॉर द टेक महिंद्रा फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द लास्ट 6 मंथ, अगर लास्ट 6 मंथ में आपने टेक महिंद्रा की अपॉर्चुनिटी में अप्लाई किया है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड ये सभी चीजें यहाँ पे आपको जो बोली गई है एकदम केयरफुली ऐड कर देना है गाइस। ओके, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। अगर आप फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर देते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए भी इन्वाइट किया जाएगा। यहाँ पे आप ऑनबोर्डिंग प्रेफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे इंदौर, नागपुर, वायजैक, कोयम्बटोर, कोलकाता, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, इस तरह से मल्टीपल टेक महिंद्रा की लोकेशंस आपको देखने मिल जाती है। सिंपली आपको आई हैव द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर उसके सामने आपके आपके पास उसके बाद इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी गई है, पूरी डिटेल्स ऐड करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है गाइस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो आप उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है गाइस एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो पहला राउंड जो होने वाला है वो कि 90 मिनट्स का होने वाला है जहाँ पर रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपकी इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल्स टेस्ट होने वाली है। देख सकते हो 29 क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन एंड यहाँ पे 35 क्वेश्चन एंड यहाँ पे राइटिंग स्किल्स में आपको एक ऐसे राइटिंग दिया जाता है जहाँ पे 1 क्वेश्चन होता है जिसके लिए 50 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। इसमें आपका वेबकैम ऑन रहने वाला है एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये एक एलिमिनेशन राउंड होने वाला है, अगर आप ये क्लियर करते हो तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देने का मौका मिलता है जो कि एक नॉन एलिमिनेशन राउंड है जिसके लिए आपको 25 मिनट्स मिलने वाला है एंड कोई भी वेबकैम यहाँ पे वर्किंग नहीं होने वाला है जहां पर आपका बेसिक बिहेवियर चेक किया जाता है। थर्ड राउंड आ जाता है एग्जाम पैटर्न V4 का एग्जाम पैटर्न। ओके,
सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 25 टेक्निकल एमसीक्यूज होते हैं, जो कि बेसिक एमसीक्यू होते हैं, काफी इजी होते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक कोडिंग क्वेश्चन होता है, ये कोडिंग क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होता है गाइस। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चन रिफर कर सकते हो एंड आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है एंड अगर आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ही आप ये राउंड क्लियर कर पाते हो। ये एक एलिमिनेशन राउंड है, अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। देख सकते हो कोडिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, वो आपकी जब एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको डिटेल में इन सभी चीजों के बारे में बता दूंगा। फोर्थ राउंड होता है कन्वर्जेशनल स्किल टेस्ट, ये एक बेसिक वर्सन टेस्ट होता है जहां पर आपकी बेसिक इंग्लिश चेक की जाती है। अगर आपने एसेंचर का वर्सन टेस्ट दिया हो तो सिमिलर ही होने वाला है, काफी ईजी होता है ये भी। ओके फिर उसके बाद अगर आप ये राउंड क्लियर कर देते हो तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है आपको। ओके सो गाइज अभी तक के जो भी हायरिंग की जा रही थी वहां पर आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन कन्वर्जेशनल स्किल टेस्ट के बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंट हायरिंग हुई थी 3 वीक्स पहले 2022 बैच के लिए, वहां पर गाइस बॉट इंटरव्यू एंड टीआर एंड एचआर इंटरव्यू लिया जा रहा है। ओके सो ये टोटली टेक महिंद्रा के ऊपर डिपेंड है कि वो इस बार इंटरव्यू लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि रिसेंटली जो 2022 बैच की हायरिंग थी वहां पर बॉट इंटरव्यू एंड टीआर एचआर इंटरव्यू भी लिया गया था। लेकिन उसके प्रीवियसली जो नवंबर में आई थी उसके पहले, मतलब दो तीन जो इसके पहले जो हायरिंग आई थी जहां पर 2020 एंड 2021 बैच को हायर किया था, वहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया गया था। कन्वर्जेशनल स्किल टेस्ट के बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है गाइस कि ऑफर यहाँ पे इंटरव्यू होता है नहीं होता है टोटली यहाँ पे टेक महिंद्रा के ऊपर है। जो भी अपडेट आती है टेक महिंद्रा की तरफ से वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप गाइस आपको सभी चीजें ए टू जेड समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।